हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की। आज के दिन की बात करें तो हमको 1% के ऊपर के आप साइट के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक जो है हम देख सकते हैं 1576.60 पैसे पे हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब स्टॉक ने 1500 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, हमने टारगेट को डिस्कस किया था 1520-1540, और हमने कहा था कि इसमें 1600 तक के भी टारगेट हमको इन्फोसिस में देखने के लिए मिल सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि उसी के आसपास से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है, और गिरावट के बाद सपोर्ट लेवल जो डिस्कस किया था 1540 का लेवल, उसी से स्टॉक ने अगेन बाउंस बैक करके हमको 1580 का लेवल बताया। इसका रेजिस्टेंस जोन है 1580 का लेवल। लेकिन जिस तरह से स्टॉक में हमको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जिस तरह से रिकवरी दिखाई स्टॉक ने, उस हिसाब से इस 1600 का जो लेवल है वो भी हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट भी हमको तेज़ी का ही सिग्नल दे रहा है, और इन्फोसिस का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर में रिकवरी भी आना बाकी थी, तो आप आईटी सेक्टर में हमको रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। इन्फोसिस की बात की जाए, हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए, या विप्रो की बात की जाए, तो हमको पूरे सेक्टर में आप तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। यहाँ से अभी हमारा इमीडिएट टारगेट हमको नज़र रखना है 1580 के लेवल पे। अगर इसको ब्रेकआउट दे जाता है तो फिर हमको 1600 का भी लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर 1600 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर वैसी कंडीशन में हमको 1620 से लेके 1640 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में इन्फोसिस में देखने के लिए मिल सकते हैं।